देखिए, आज ही अखबारों में आपने पढ़ा होगा, वजीर आजम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा है कि आईएमएफ के जो रेसिडेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने बड़े वाजे तौर पर कह दिया है कि पहले दोस्त ममालिक से जो सॉफ्ट डिपॉजिट्स हैं, रोल ओवर हैं, जो तकरीबन 6 बिलियन डॉलर के हैं, उसका एश्योरेंस, गारंटी एंड कंफर्मेशन हमें मिले, उससे पहले हम ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और ना कोई मुआहदा हो सकता है, बोर्ड को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। लिहाजा अब सवाल यह है कि जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, जिसमें तीन ही मुल्क हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, पहले चाइना है, चाइना के रोल ओवर भी है क्योंकि चाइना के इन्हीं दिनों में मेच्योर हो रहे हैं, तो वो तो हमने अपने फंड से पे कर देते हैं, लेकिन फिर वो जो गैप होता है फिर उन्हीं से हम कहते हैं इसको रोल ओवर कर दें, यानी दोबारा इसको रख दें। तो आप, चाइना ने अभी तक हमें 700 मिलियन डॉलर के एक फंड्स दिए हैं और 500 मिलियन डॉलर के एक फंड्स दिए हैं, टोटल हो गए हैं 1.2 बिलियन डॉलर, और ज्यादा से ज्यादा उसका 500 मिलियन डॉलर का एक और कमर्शियल बैंक का लोन है, कंसोर्शियम का वो हो सकता है, लेकिन 2 बिलियन डॉलर हमारे इमारात के और 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के, ये उन्होंने मुख्तलिफ औकात पे इंडिकेशन दिया था, लेकिन अब वो फंड्स आ नहीं रहे। वो फंड्स या तो इसलिए नहीं आ रहे कि वो भी ये चाहते हैं पहले आईएमएफ एग्रीमेंट हो, क्योंकि ये फंड्स अभी नहीं चाहिए, ये फंड्स 30 जून तक जो कर्जों की अदायगियां करनी है उनमें हमारे पास जो फंड्स हैं और जो फंड्स देने हैं उनका शॉर्टफॉल ये 6 अरब डॉलर है, यानी हमने 30 जून तक 6 अरब डॉलर की कमी है उन कर्जों की अदायगियां करने के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सटर्नल पेमेंट्स हमारी मुत्तफ़क हुई है, एग्री हुई है आईएमएफ के साथ। अच्छा अब जी हाँ बिल्कुल, अब वो ये कहते हैं, पहले ये भी हो जाता था कि हम एक उन्हें अंडरटेकिंग या अश्योरेंस दे देते दे थे कि जी हमारे इन इन ममालिक से बात हो गई है और वो 30 जून तक हमें ये फंड्स दे देंगे,